ओके बच्चे, मैं मनुष्यता कविता आपको करवा रही हूं, क्योंकि आगे बढ़े बिना आपका काम नहीं चलने वाला। कविता मनुष्यता, लिखी हुई है बच्चे मैथिली शरण गुप्त। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं आपको, मैसेज देने से बड़े नहीं बच्चे, वही पांच बच्चे हैं, कीर्ति, दक्षिता, रूहानी, पलक एंड निष्ठा। पांच बच्चों को पढ़ा रही हूं मैं, और सिलेबस मेरा जब मैंने शुरू कर दिया फिर मुश्किल हो जानी है। सक्षम, थैंक यू सक्षम, आ गए आप। ठीक है तो बच्चे, हाँ जी बोलो मैम। जैसे अब वैभवी ने लेफ्ट कर दिया तो मैम अभी क्लास के टाइमिंग्स यही रहेंगी? हाँ जी यही रहेंगे, क्लास के टाइमिंग्स यही रहेंगे। ओके मैम। हाँ, वो नहीं चेंज हो सकते, बेशक वैभवी चली गई है, इवन देन तीनों सेक्शंस के अलग अलग पीरियड नहीं ना लग सकते बच्चे, एक ही पीरियड लगाने के लिए साथ में कोई ऑल्टरनेट चाहिए ना। ओके मैम। फिर भी आई विल टॉक टू परमजीत मैम, टाइम टेबल टीचर, अगर वो मैनेज कर सके, क्योंकि पंजाबी वाला बच्चा हमारा चला गया है, कंप्यूटर के साथ ही अगर मैनेज कर सके, पर फिर भी होगा ना, सारे सेक्शंस के पीरियड नहीं ना हो सकते इकट्ठे। यस मैम, यस। फिर भी मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का अगर इकट्ठा हो सके उनसे तो देखेंगे, अदरवाइज अभी हम जो चल रहे हैं उसी हिसाब से चलें। ये टाइम कोई ज्यादा ऑकवर्ड लगता है आपको, 12:55 टू वन, सॉरी 12:30? नो मैम, वैसे सडनली पूछा था। हाँ चलिए, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। पिछला पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद, मैं नए सिरे से बता रही हूँ आपको। मनुष्य का धर्म मनुष्यता है, मनुष्य के लिए और कोई धर्म उतना मायने नहीं रखता, कोई धर्म, मनुष्य के लिए मनुष्यता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। यानी इंसान हो, इंसान की मदद करो, इंसान हो यानी ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, मनुष्य, मनुष्यता, मनुष्य होके मनुष्यता वाले काम करो। आपने जानवरों को बहुत बार देखा होगा, जानवर जब तक उनका बच्चा छोटा होता है तब तक थोड़ी सी केयर करते हैं, अदरवाइज जानवर सिर्फ अपना अपना ही खाते हैं। जैसे मतलब गाय की उसमें जो चारा गाह में अगर गाय के लिए चारा डाला जाए तो गाय ऐसा नहीं करती कि पहले धक्का मार के अपने बछड़े को आगे करे कि चल तू खा फिर खुद खाएगी, नो, अपना अपना ही खाते हैं वो लोग, अपना अपना ही खाते हैं। जब तक बच्चा छोटा होता है गाय का अपना दूध पीता है, गाय का दूध पीता है, उसके बाद चारा खाने के लिए अपना अपना ही है उनका। चिड़िया जरा सा बच्चा बड़ा होता है उसे घर से धक्का मार देती है, अपना दाना खुद चुनता है, अपना पानी खुद पीता है, ठीक है। ये मनुष्य धर्म नहीं है, ये जानवर का धर्म है, अपना अपना खाओ अपना अपना पियो। लेकिन हम मनुष्य बेटा पहले दूसरों का फायदा सोचते हैं फिर अपना फायदा सोचते हैं, यही मनुष्यता है, अपने सुख से पहले किसी दूसरे का सुख। अब बेटे जो व्यक्ति अपने सुख से पहले किसी दूसरे का सुख सोचेगा वो बंदा अमर हो जाएगा। अमर मींस वो कभी नहीं मरता, उसका नाम किताबों में लिख लिया जाता है, सरस्वती उसका बखान करती है, सरस्वती मींस किताबों में, हिस्ट्री में उसका नाम दर्ज हो जाता है, अमर हो जाता है वो व्यक्ति। वैसे तो अमर कोई है ही नहीं ना, विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, सोच लो मरण वाले हो, हर कोई मरने वाला है, इसलिए मरने से क्या डरना, मौत तो एक दिन आनी है, नहीं मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। मरना ही है तो ऐसे मरो कि मरने के बाद दुनिया याद रखे, और दुनिया याद रखे कैसे याद रखेगी, आप भलाई के काम करोगे तो दुनिया याद रखेगी, आप अच्छे काम करोगे तो दुनिया याद रखेगी, अदरवाइज तो दुनिया याद नहीं रखेगी आपको, ठीक
ठीक है, जब हम किसी की भलाई करते हुए मरते हैं ना, तो उस मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है, यानी वो मौत असली मौत है। अभी बाहर गए, कुत्ता किसी गाड़ी के नीचे आ गया, मर गया, खत्म हो गया, उसे किसी ने याद नहीं करना। हम किसी गाड़ी के नीचे आ गए, मर गए, हमें किसी ने याद नहीं करना। कौन याद रहता है? जिसको, जो दूसरों की भलाई के काम करता है, ठीक है, उसकी मृत्यु फिर सुमृत्यु हो जाती है। यहाँ पे कवि ने दो तीन चीजें लिखी हुई हैं, बताइए हमें। एक तो सुमृत्यु किसकी मृत्यु है, मृत्यु लेकिन अच्छी, ठीक है, सुमृत्यु किसकी मृत्यु है। ओके, फिर दुनिया याद किसे रखती है, याद रखती है अमर हो जाता है, या फिर कह सकते हैं हम सरस्वती, सरस्वती विद्या की देवी है ना, जिसका यश गान करती है, सरस्वती जिसका यश गान करती है, यानी किताबें जिसे याद रखती हैं वो अमर हो जाता है, उसकी मृत्यु ही सुमृत्यु है, जो अपनी भलाई से पहले दूसरे की भलाई सोचे। असली सुमृत्यु उसकी होती है जो तारता हुआ तरे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तारता हुआ तरे, किसी को पार लगाता हुआ आप भी पार हो जाए, ठीक है, तारता, तैरता हुआ आप भी तर जाए। इस दुनिया को भव सागर कहा गया है बेटा, इस दुनिया को भव सागर कहा गया है। वो गया सक्षम, कौन, इस दुनिया को भव सागर कहा गया है, क्या? अब सागर में तैरना पड़ता है, दुनिया को भव सागर क्यों कहा गया है? भव मीन्स भविष्य, ऑल टाइम थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, भविष्य। आज मैं ये कविता करवा रही हूं क्यों, मुझे आगे की फिक्र है, सिलेबस बहुत रह जाना है, ठीक है, भव सागर, आगे भविष्य का सागर, इसमें हमें तैर के बाहर जाना होता है, भव सागर में से। जो तभी कहते हैं ना संत महात्मा, क्या कहते हैं, आज लिव इन टुडे, आज जी लो, कल जो होगा देखा जाएगा, तभी संत महात्मा ये कहते हैं, ठीक है। तो जो तारता हुआ तरता है, जो खुद भी दूसरे की मदद करता है और फिर खुद भी बाहर हो जाता है, वही असली मनुष्य है। मैंने सारी कविता का एक निचोड़ सा बता दिया आपको, ठीक है। अब दोबारा पैराग्राफ देखते हैं। विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, हुई ना यूं सुमृत्यु, वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दोबारा देखिए क्या है लाइन, एक 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 लाइन देखिए। विचार लो, सोच लो कि मरते हो, मरने वाले हो, सोच लो कि एक दिन आप मरने वाले हैं, एक दिन मृत्यु अवश्य आ जाएगी। विचार लो कि मरते हो ना मृत्यु से डरो कभी, फिर मृत्यु से क्यों डरना, जब मरना ही है तो मृत्यु से क्यों डरना। मरो परंतु यू मरो, मरो पर ऐसे मरो कि याद जो करे सभी, सारे आपको याद करें, आप अमर हो जाओ, आपका नाम किताबों में दर्ज हो जाए, आपकी मृत्यु सुमृत्यु हो जाए, ठीक है। हुई ना यूं सुमृत्यु, इस तरह अच्छी मृत्यु नहीं हुई, वृथा मरे वृथा जिए, फिर जीना भी फालतू मरना भी फालतू, वृथा मीन्स फालतू, फालतू एमी, ठीक है, वृथा जिए वृथा मरे, मरा नहीं वही कि जो न जी जो जिया ना आपके लिए। उसका मरना मरना थोड़ा है जो आपके लिए काम करके नहीं गया, आपके लिए मीन्स दूसरे के लिए, जो किसी दूसरे के लिए कोई काम नहीं करके गया, उसका मरना मरना है, कोई मर गया तो मर गया, ठीक है, कौन याद रखेगा उसे, कोई भी याद नहीं रखेगा उसे, ठीक है।
वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मतलब खुद अपना खाना बनाओ और खुद चर लो, ये तो पशुओं के काम है, इंसान के काम नहीं है। इंसान के पास रीजनिंग है, सोच सकता है, समझ सकता है कि खाना पीना सोना ही काम थोड़ा है हमारा, ठीक है। ये तो पशुओं की है वृत्ति, वृत्ति होता है स्वभाव, ये पशुओं का स्वभाव है बेटा। ओके, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बेटा एक चीज और बता दूं, नेक्स्ट टर्म में एमसीक्यूज नहीं है, सब्जेक्टिव है पेपर। अगली टर्म, ये टर्म अभी यही होगी जो मतलब सिलेबस ये था, यही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में सब्जेक्टिव पेपर है, एक एक शब्द के पीछे नहीं जाना, अब तो अंडरस्टैंडिंग काम चलेगी यहाँ पे। राइटिंग स्किल्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं। 40 नंबर का ही पेपर होना है अगला भी, सारा सिलेबस थ्योरी का प्लस राइटिंग स्किल्स पांचों, तो उसमें सारा सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। आगे अगला पेपर, अगला पेपर मेन समझ रहे हैं ना, नवंबर वाला नहीं, बोर्ड का। हाँ नवंबर में बोर्ड का होना है, पहले नवंबर में पहले एमसीक्यूज वाला बोर्ड का होना है, फिर उसके बाद में जो होगा, हाँ वो जो होगा वो सारा सब्जेक्टिव है। ओके मैम ओके, अक्टूबर में भी प्री बोर्ड होंगे ना? ठीक देखो शायद कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। आगे है पैराग्राफ, उसी उदार की कथा सरस्वती बकांती, उसी उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, उसी उदार को सदा समस्त सृष्टि पूजती। उदार, अब जो मनुष्य है ना बेटा, वो मनुष्यता के काम करता है अगर, तो वो व्यक्ति उदार व्यक्ति है। उदार होता है बड़े दिल वाला, उदार का ऑपोजिट होता है कृपण, कंजूस, ठीक है। मनुष्यता के काम करने वाला उदार होता है, उसका ऑपोजिट होता है कृपण, कंजूस। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, मनुष्य होके मनुष्यता के काम करोगे तो आपकी उदारता को किताबों में दर्ज कर लिया जाएगा, आप हिस्ट्री बन जाओगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती, मनुष्यता का भाव रखने वाली उदारता को के लिए पृथ्वी हमेशा आपकी धन्यवादी रहेगी कि शुक्र है आपने मेरे पे जन्म लिया, कृतार्थ भाव। कृतार्थ भाव क्या होता है? कृतार्थ भाव एहसान मानना, एहसान मानना, ठीक है। उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानती, धरती कहती है और मेरे अच्छे कर्म है जो आप जैसे इंसान ने मेरी धरती पर जन्म लिया। अगली है लाइन, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, ऐसे मनुष्यता के काम करने वाले उदार व्यक्ति की कीर्ति यश हमेशा गूंजता है, उसे हमेशा याद रखा जाता है, उसकी याद हमेशा ताजी रहती है, सजीव ताजा रहती है उसकी याद हमेशा, ठीक है। सदैव उसने सजीव कीर्ति गूंजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, मनुष्यता के काम करने वाले उदार व्यक्ति को सारी दुनिया पूजती है, ठीक है ना। जैसे ये कोविड के दिनों में हमारे यहाँ पंजाब में सोनू सूद ने जितने अच्छे अच्छे काम किए, तो उसका नाम गुड बुक्स में आ गया ना, सबके नाम, सबके सामने उसका नाम आ गया, सबकी गुड बुक्स में उसका नाम आ गया कि सोनू सूद ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ठीक है ना। तो मतलब उसका नाम एक बार हिस्ट्री में आ गया, याद रखा लोगों ने, तो याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा, जब भी कोविड की बात होगी उसका नाम साथ में आ जाएगा पंजाब में, ठीक है। इसी को कहते हैं सजीव कीर्ति गूंजती ना, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, सारी दुनिया पूजा करती है ऐसे बंदे की जो किसी के लिए कुछ करे। ओके आगे है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, असली मनुष्य तो वही है जो किसी और मनुष्य के लिए काम करता करता अपनी जान दे दे, जान तो सबने देनी है, किसी और मनुष्य की भलाई करता करता अपनी जान दे दे। यहां मैंने आपको मदर टेरेसा के बारे में बताया था कि मदर टेरेसा को सारे याद रखते हैं,
ना सबके दिमाग में है कि वो सेवा करती करती, बाबा आमटे ने उन लोगों के लिए किया जो कुष्ठ रोगी थे, उनके लिए काम किया, तो बाबा आमटे को भी सारी दुनिया याद करती है। ठीक है, ओके। आगे है, क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दगीची ने दिया परार्थ अस्सी जाल भी, उसी नर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया, महा सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। यहाँ पे बच्चे उसने चार लोगों के उदाहरण दिए। चार लोगों के उदाहरण दिए, क्षुधार्त कौन है, क्षुधार्त रति देव, नंबर टू दघीची, फिर क्षितीश, फिर क्षितीश, क्षितीश यही स्पेलिंग है, यही है स्पेलिंग क्षितीश, हाँ कर्ण, कर्ण ये नहीं है, कर्ण ये है सहर्ष मीन्स खुशी खुशी। इन चार लोगों के नाम हैं। शुधा होता है भूख, क्षुधार्त रति देव ने, रति देव बहुत भूखा था, राजा था, बहुत भूख लगी थी उसे, हाथ में थाली पकड़ के खाने ही जा रहा था कि सामने कोई मांगने वाला आ गया। और जब हम बहुत भूखे होते हैं उस समय हम किसी को अपने हाथ का खाना नहीं देते, लेकिन उसने उस समय भी अपने हाथ का खाना किसी को दे दिया। क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त हाथ थाल भी, करस्त कर मीन्स करस्त, करस्त है कि करस्त है, करस्त कर मीन्स हाथ, हाथ में पकड़ा हुआ थाल भी दे दिया रति देव ने। पहला एग्जाम्पल रति देव का, बहुत भूखा था पर सामने कोई भिखारी आ गया मांगने, तो उसने जो हाथ में थाल पकड़ा हुआ था वह थाल भी दे दिया। ठीक है, फिर दगीची, अब ये दगीची एक ऋषि है, तथा दगीची ने क्या किया था, अपना अस्थि जाल दे दिया था। ये एक कहानी है बेटे, जब असुरों और देवताओं का युद्ध चल रहा था, असुरों और देवताओं का जब युद्ध चल रहा था तो असुरों को हराना मुश्किल हो गया था, तो देवता भागे भागे गए और पूछा विष्णु जी से कि क्या किया जाए कि हम असुरों को हरा दें। तो उन्होंने कहा कोई मानव अगर अपनी हड्डियां दान कर देता है तो उसकी हड्डियों से आप अस्त्र बनाकर अगर लड़ाई करेंगे तो अवश्य जीत जाएंगे। अब कौन इंसान कहेगा कि मुझे मार लो और लो मेरी हड्डियों का बना लो, लेकिन ऋषि दगीची ने ऐसा किया था, अपने श्वास ऊपर चढ़ा लिए, अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया और अपना शरीर जो है वो सौंप दिया कि ये लो मेरे शरीर की हड्डियों का अस्त्र बना लो। ठीक है, ऋषि दगीची ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था, अस्थि जाल, अस्थि अस्थि हड्डी, हड्डी अपना हड्डियों का समूह भी दे दिया। ओके, उसी नर क्षितिश ने स्वमास दान भी किया, उसी नर क्षितिश, क्षितिश नाम का राजा है, उसने क्या किया बच्चे, अपना मांस दान कर दिया। कैसे कैसे, एक कबूतर आया घायल उसके पास, आगे उड़ता हुआ, ये भी राजा था, एक घायल कबूतर गिरा, किसने कबूतर को उठा लिया। उसी समय थोड़ी देर बाद, वहां पे शिकारी पहुंच गया, उसने कहा इस कबूतर को मैंने घायल किया है, ये मेरा भोजन है, आप मुझे लौटा दीजिए। क्षितिश कहता नहीं मैंने इसे बचाया, मैं रखूंगा। वो कहता नहीं मुझे तो इतना मांस चाहिए जितना कबूतर का है, तो अपना मांस दे दो। तो राजा ने कबूतर को बचाने के लिए अपनी जंघा का, थाई का मांस, अपनी जंघा का मांस दे दिया था कि मेरी जंघा से आप कबूतर के तोल का नाप मांस ले जाओ,
लेकिन कबूतर को छोड़ दो, अब बताओ इतना भला करने वाला कहाँ होगा। ठीक है, उशिनर क्षितिश ने स्वमास दान भी दिया तथा सहर्ष सहर्ष वीर क्या है, तथा सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने, अब ये कर्ण राजा याद है महाभारत का, कर्ण पांडवों का बड़ा भाई, कर्ण कर्ण बेटे उसका पांडवों का बड़ा भाई था, यानी किसका, कुंती का बड़ा बेटा था, है ना, कुंती का बड़ा बेटा था, अनमेरिड टाइम हो गया था तो उसने उसे नदी में बहा दिया था। तो कर्ण को जो है वो उसकी माँ ने एक सारथी, सारथी की माँ ने पाला था, सारथी की पत्नी ने पाला था, यानी छोटी जाति में पला था ये। ठीक है, इसने इसने के जन्म से ही बेटे इसके कानों में कुंडल थे और शरीर पे कवच था, यानी इसे ना कोई मार सकता था ना कोई हरा सकता था। कानों में कुंडल थे और शरीर पर कवच था। ठीक है, और इसको दानवीर करण कहा जाता है क्योंकि ये मॉर्निंग में नहाने जाता ना नदी पे, तो उसमें उस समय जो भी पहले इसके सामने आता, जो वो मांगता, ये हमेशा वो दान कर देता था। तो एक दिन इंद्र देवता ने छल करके इससे इसके कवच और कुंडल मांग लिए। इन्होंने वो भी हंसते हंसते दे दिए कि मांगने वाले को मैं नहीं मना करूंगा, जबकि इन्हें पता था कि युद्ध के दिन चल रहे हैं, मुझसे धोखा हो रहा है, मेरे कवच और कुंडल मांगे जा रहे हैं तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन अपने शब्दों से नहीं हटा, लेकिन जो उसने प्रण किया हुआ था ना कि मॉर्निंग में सबसे पहले जो मुझसे कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगा ही दूंगा, तो उसने अपने कवच और कुंडल भी दे दिए। इन चारों के एग्जाम्पल देके कवि ने ये बताया है कि अगर ये चार ग्रेट फेलोज इतना कुछ दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम थोड़ा सा तो कुछ कर ही सकते हैं ना किसी के लिए, ज्यादा नहीं तो हम थोड़ा सा तो कुछ कर ही सकते हैं ना। दोबारा देखिए लाइनें, क्षुधार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दगीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी, उशी नर क्षितिश ने स्वमास दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनित्य देह, देह हमारी अनित्य है, हमेशा नहीं रहनी, नित्य होता है हमेशा, अनित्य मीन्स हमेशा नहीं, अनित्य देह हमारा शरीर तो हमेशा नहीं रहने वाला, मरना ही मरना है, जो इस जीवन में आया उसे जाना ही जाना है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनादि आदि काल से जो चला आ रहा है, अनादि यानी ये जो मनुष्य है ये अनित्य देह के लिए क्यों डरेगा, क्यों डरता है मरने से। अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मेरे, वास्तविक मनुष्य वही है जो मनुष्यता के काम करते हुए अपनी जान देता है। 3 पैराग्राफ वी हैव डन। ठीक है, तो नेक्स्ट सिलेबस चल रहा है, इन्फॉर्म अदर स्टूडेंट्स कि उनकी प्रेजेंस क्लास में बहुत जरूरी है, पिछली टर्म में बख्श दिया, अगली टर्म में बख्शा नहीं जाएगा। ओके, टिल देन गुड बाय, रिवाइज दिस पोएम टुडे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलो 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 बच्चे। क्षितिज क्षितिज राजा क्षितिज का समझा दो। ने बेटे, उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी दिया। क्षितिज एक राजा था जिसके पास एक कबूतर आया, घायल कबूतर, उस कबूतर को बचाने के लिए, शिकारी पीछे ही आ गया ना, तो उस कबूतर को बचाने के लिए बेटे राजा ने अपनी जंगा का, अपनी थाई का, अपनी जंगा मानते ना ये टांग का ये वाला हिस्सा होता है जंगा, अपनी जंगा का, यहाँ हमारा सबसे ज्यादा मांस होता है, हार्ट सर्जरी होती है तब भी मांस और नर्व यहीं से ली जाती हैं क्योंकि यहाँ एक बोन है, मांस ज्यादा है, तो उसने यहाँ से अपना मांस दिया था उस कबूतर को बचाने के लिए बच्चे, परार्थ के लिए, परार्थ दूसरे के भले के लिए उसने ये वाला मांस दिया था। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, एनी अदर डाउट। यस मैम, थैंक यू। ओके बच्चे, गुड बाय, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ओके।